जय भोलेनाथ दोस्तों, फिर से स्वागत है आज आपका आपके अपने चैनल एल एस बिल्डर एंड कोलेबरेटर्स के अंदर। मैं लक्ष्य सुनेजा आज फिर से लाया हूँ आपके लिए 30 गज का जड़ से बना हुआ मकान। 2 मंजिल का मकान बना के देने वाले हम। अभी इसकी रेनोवेशन चल रही है, आप इसको जैसा कस्टमाइज चाहें करवा सकते हैं। मेनली बात तो द्वारका मोड़ मेट्रो स्टेशन के नियर अबाउट लोकेशन रहने वाली है। द्वारका की लोकेशन में फ्री होल्ड प्रॉपर्टी आपको मिलने वाली है, आपके सपनों का घर पूरा करेगा एल एस बिल्डर एंड कोलेबरेटर। देरी ना करते हुए बताता हूँ मैं आपको, इसकी 15 फुट की रोड रहने वाली है। फ्रंट एलिवेशन इसका आप जैसा चाहेंगे आप तैयार करवा सकते हैं, इसके अंदर बहुत सी चीज़ें कस्टमाइज करा सकते हैं। आइए हम आपको दिखाते हैं इसका लेआउट कि हम आपको कैसे बना के देने वाले हैं। दोस्तों मैं इसका आपको पहले 15 फुट की रोड दिखाता हूँ, फिर उसके बाद मैं आपको इसका फ्रंट एलिवेशन दिखाता हूँ। इसका फ्रंट एलिवेशन बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही सबसे डिफरेंट कलर का फ्रंट एलिवेशन बनने वाला है। इसके अंदर आप ये कर सकते हैं, आप अगर चाहें अपने हिसाब से कस्टमाइज भी करा सकते हैं। मेनली पहले इसके 15 फुट की रोड देखिए, उसके बाद आपको फ्रंट एलिवेशन दिखाऊंगा, उसके बाद आपको मेन मकान के बारे में समझाया जाएगा कि क्या चीज़ हम कहाँ पे आपको लगा के देने वाली है, ये आप क्या चीज़ कस्टमाइज करा सकते हैं। देरी ना करते हुए आप अपना फ्रंट एलिवेशन और इसका 15 फुट का रोड देखिए। क्या मेरे प्यारे भाइयों बहनों, अभी आपने जैसा देखा इसका फ्रंट एलिवेशन, आपने देखा इसकी रोड की डेप्थ, और तो मैं बताना चाहूँगा ये मकान जो है काफ़ी उठ के हम बना के देने वाले हैं। रीज़न क्या है, कल को आपकी रोड अगर कल को खुदा ना खास्ता बनती है तो आपकी मकान कभी आपका दबेगा नहीं। आप देख सकते हैं इसका जो हमने मकान है काफ़ी उठा के बना के दे रखा है, और हम आपको बाकी काफ़ी अच्छा उठा के देने का रीज़न यही होता है कि हम आपके कल को इन फ्यूचर कल को कोई दिक्कत परेशानी आपको ना आए। जैसे कि दोस्तों अभी आपने देखा आपका मकान काफ़ी उठ के बनाने वाला है, और तो इसके हम एंट्री करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा काफ़ी अच्छी इसके अंदर हमें सेफ्टी पर्पज़ के लिए लोहे का गेट देने वाले हैं जो आपके लिए प्रॉपरली लॉक रहेगा। सेफ्टी के हिसाब से काफ़ी अच्छा लॉक है ये, सेफ्टी के हिसाब से काफ़ी अच्छा गेट है ये, 2 पल्ले वाला गेट है ये, दोनों साइड ओपन होता है। वो आपकी जैसे आप अगर एक पर्सन एक गेट बंद करके जाना चाहे तो दूसरा गेट आपका सेफ रहेगा। इसके साथ साथ जैसे हम अंदर आते हैं, अंदर आने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा राइट साइड में हमने इसके एमसीबी बॉक्स दे रखा है। आप देख सकते हैं दोनों फ्लोर का एमसीबी बॉक्स दोनों का अलग अलग दिया जा रहा है। अभी एक्चुअली ये क्या, सारा मकान प्रॉपर रेडी टू मूव हो रहा है, कंस्ट्रक्शन के अंदर मकान है, इस चक्कर में आपको बहुत सी चीज़ें आपको फेस करनी पड़ेगी। 30 गज के जड़ से मकान के अंदर हम आपको समर सिविल भी लगा के देने वाले हैं। अगर आपकी बेसिक नीड्स की रिक्वायर्ड है आपको समर सिविल यहाँ मिलेगा, आपको ये एज अ होल कमरा मिलता है ये, और साथ में इसका वॉशरूम और एक आपको अंदर बेडरूम मिलता है। देरी ना करते हुए चलते हैं हम अपने मेन हॉल की तरफ। हॉल के बाद मैं आपको दिखाऊंगा आपका बाकी लेआउट। ये हमारा एक हॉल आता है, आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा स्पेशियस हॉल दिया जा रहा है। इसके अंदर काफ़ी अच्छी फॉल सीलिंग करके देंगे। इस मकान के अंदर आपको बेनिफिट ये, आप इसके अंदर काफ़ी चीज़ें कस्टमाइज़ करा सकते हैं, जैसा आप चाहेंगे इसके अंदर वैसा काम करवा सकते हैं, कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं लिए जाएंगे। जैसा आप चाहेंगे फॉल सीलिंग का डिज़ाइन, जैसा व्हाइट वॉश चाहेंगे, जोन सी आप टाइल चाहेंगे, हर चीज़ आपके मुताबिक इसके अंदर हम काम करा के देने वाले हैं। जितनी जल्दी हो सके इसको आप बुक करिए। आइए हम चलते हैं आपको अंदर दिखाते हैं इसका बाकी का लेआउट। तो हम आ चुके अपने बेडरूम की तरफ। बेडरूम का थोड़ा सा आपको स्पेस दिखेगा, बट थोड़ा सा मैं फिर क्षमा चाहूँगा कि लाइटिंग की दिक्कत है, मकान बन रहा है तो आपको लाइटिंग का थोड़ा मकान प्रॉपर नहीं दिख पा रहा होगा, बट फिर भी पूरा कोशिश करूँगा अपने कैमरामैन से कहेंगे कि प्रॉपरली आपको ये दिखाया जाए कि बेड का स्पेस क्या आ रहा है। आपका बेड का स्पेस जो आता है 10x12 का बेड का स्पेस आता है, काफ़ी अच्छा स्पेस दिया गया है। 30 गज के अंदर मकान के अंदर प्रॉपरली फॉल सीलिंग दी जाएगी इसके अंदर, जैसा आप चाहेंगे वैसे इसके अंदर काम करवा के दिया जाएगा। स्विचेस की बात करें काफ़ी अच्छी क्वालिटी के स्विचेस इसके अंदर यूज़ करे जाएंगे। एसी की बात करें इसके अंदर आपको स्प्लिट एसी की फिटिंग भी मिलने वाली है। अब हम बात करते हैं ऊपर की, इससे पहले मैं आपको दिखाना चाहूँगा स्टेयर्स के नीचे इसके अंदर हम आपको वॉशरूम बना के देने वाले हैं। अभी वो बना तो नहीं है बट आपको बना के दे देंगे। ये हमारी आती है स्टेयर्स। स्टेयर्स की फुटर्स की बात करें काफ़ी अच्छा स्टेप दिए जा रहे हैं स्टेयर्स के। लेफ्ट साइड में इसके हम ग्रिल लगाने वाले हैं। इसके साथ साथ आप देखना चाहेंगे चौखट की बात करते हैं। मैं आपको हर बार ये बताता हूँ कि हम लकड़ के चौखट काम करके नहीं देते हैं। रीज़न क्या है, लकड़ की चौखट में कल को इनकेस कल को दीपक लगने का डर रहता है, इसलिए हम आपको लोहे की चौखट लगा के देने वाले हैं। आइए हम चलते हैं ऊपर, देरी ना करते हुए ऊपर हम आपको प्रॉपरली फर्स्ट फ्लोर का लेआउट समझाते हैं कि फर्स्ट फ्लोर का लेआउट हम कैसे बना के देने वाले हैं। ये हमारे स्टेयर्स के स्टेप है, बहुत इजीली स्टेयर के स्टेप चढ़े जा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि बात करते करते हम स्टेयर चढ़ पा रहे हैं, इतना इजीली यहाँ पर स्टेयर के स्टेप दिए जा रहे हैं। हम आ चुके हैं फर्स्ट फ्लोर की तरफ, और फर्स्ट फ्लोर का आप लेआउट देखना चाहेंगे, इसके राइट साइड में आपको किचन मिलती है, लेफ्ट साइड में आपको इसके रूम मिलता है, और बाहर आपको बालकनी में वॉशरूम मिलता है। आप देखिए इसका काफ़ी अच्छा स्पेस है, ये एज अ बाहर बरांडा यूज़ कर सकते हैं आप स्पेस देख सकते हैं, काफ़ी अच्छा स्पेस दिया जा रहा है बाहर का भी, लिविंग एरिया का, और राइट साइड में आपको किचन का यूज दिया जा रहा है। किचन अभी बनी तो नहीं, इसके अंदर आप जैसा चाहेंगे आप वैसा अपना काम करवा सकते हैं। मॉडुलर किचन जैसे आप चाहेंगे वैसा आप करवा सकते हैं। ये आपकी आती है बाहर एज अ बालकनी, बालकनी के साथ अटैच इसके अंदर वॉशरूम दे रखा है, कॉमन वॉशरूम दिया जाता है।
आपको ये SS की ग्रिल लगा के मिलेगी, प्रॉपर इसका टाइम मिलेगी टॉप टू ट्यूब, और इसके अंदर हमने आपको एक एग्जॉस्ट फैन की फिटिंग भी दे रखी है। आइए हम चलते हैं अपने बेडरूम की तरफ। बेडरूम के अंदर आप देखेंगे काफी अच्छा वही नीचे का सीन सब स्पेस है, 10x12 का स्पेस दिया जा रहा है। बेडरूम में आप आइए देख सकते हैं, रोशनी तो नहीं होगी बट फिर भी जितना हो सके आप देख पा रहे हैं कि इसके अंदर आपको काफी अच्छा स्पेस दिया जाएगा बेडरूम में। एक बार बेडरूम का लेआउट आप देख सकते हैं। अभी आपने अपना बेडरूम देखा, आपने अपना किचन देखी, आपने अपनी वॉशरूम देखा, बाहर बालकनी देखी। अब हम चलते हैं रूफ की तरफ। मैं समझ सकता हूँ आपको प्रॉपरली उस हिसाब से नहीं समझ आ पा रहा हो क्योंकि प्रॉपर अभी रेडी नहीं है। ये मेरी अंडर कंस्ट्रक्शन साइड है, इसके अंदर आप जैसा चाहे वैसा आप इसके अंदर काम करा सकते हैं। इसलिए आप LS बिल्डर एंड कॉलर बिल्डर से लेने का ये फायदा होता है, आप खुद ऐसा बिल्डर से बात कर रहे हैं, आप ऐसे बिल्डर से डील कर रहे हैं, तो इसलिए आपको कोई कमीशन नहीं देनी पड़ती, कोई आपको इसके अंदर कोई ब्रोकरेज नहीं जाती, आपको डायरेक्ट डील आपकी हमारे से होती है। फर्स्ट थिंग। सेकेंड चीज मैं आपको बताता हूँ, जो भी आप साइज देख रहे हैं एक्चुअल साइज मिलेगा आपको। आपको वाइल्ड लाइन्स कैमरा यूज नहीं करा जाता। वाइल्ड लाइन्स कैमरा यूज से क्या होता है, साइज बड़ा दिखता है, एक्चुअली होता कुछ और है, बट हम ऐसा नॉर्मल बिना वाइल्ड लाइन्स कैमरा के यूज करते हैं। जो रूम का साइज होगा, जो किचन साइज होगा, एग्जैक्ट ही मिलेगा आपको। ये बेनिफिट होता है आपको हमारे से डील करके। आप हमसे इस चीज से ले सकते हैं क्योंकि आपको एक तो प्राइस में काफी कम मिलेगा, मार्केट के प्राइस से आपको हमेशा लो भी मिलेगा, राइट। इससे हम चलते हैं, देरी ना करते हो, छत की तरफ आपको रूफ दिखाते हैं और उसकी फैसिलिटीज बताते हैं। जैसे कि साथियों, अभी आपने 30 गज का प्रॉपर इधर से मकान देखा, आपको ग्राउंड फ्लोर प्रॉपर दिखाया गया, प्रॉपर समझाया गया, फर्स्ट फ्लोर आपको दिखाया गया, प्रॉपर समझाया गया। तब भी मैं क्षमा चाहता हूँ अगर आपको कोई चीज़ समझ ना आ पाई हो, तो थोड़ा सा काम में मकान में थोड़ा रेनोवेशन हो रही है, इस चक्कर में थोड़ा आप नहीं समझ पाए, इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। अब हम आ चुके हैं अपने रूफ के ऊपर। रूफ की बात करो, काफ़ी अच्छा स्पेस रूफ का दिया गया। आप पिलर अगर देख, हम 12 और 14 mm के पिलर यहाँ यूज़ करते हैं, काफ़ी अच्छी क्वालिटी के पिलर यूज़ करते हैं। आप देख सकते हैं पिलरों का क्या है थिकनेस, क्यों मेन जो हमारी मकान की बुनियाद होती है पिलर होती है। पिल्लर अगर हमारे सही होंगे तो हमारा मकान ऑटोमेटिकली अच्छा ही रहेगा, इसलिए आप कल को 2 मंजिल के ऊपर 2 मंजिल आराम से इसलिए बना सकते हैं। ये आपको बेनिफिट मिलता है हमारे यहाँ कंस्ट्रक्शन के साथ लेने के। और सेकेंडरी चीज़, आप यहाँ पे अपने हिसाब से जैसा कस्टमाइज चाहे वैसा काम आप करवा सकते हैं। अब हम बात करते हैं मेनली फैसिलिटीज़ की। यहाँ पे नियर टू आपको मेट्रो मिलेगा, मेट्रो की बात करो मात्र 1 किलोमीटर के अंदर आपको ये मकान मिलने वाला है। द्वारका मोड मेट्रो स्टेशन पास पड़ने वाला है। जिम की बात करूँ आपको, यस जिम आपको, बहुत से स्टार जिम आपको, बहुत से ऐसे जिम होंगे जो प्राइवेट जिम आपको यहाँ मिलने वाले हैं, सरकारी जिम चाहेंगे वो भी आपको मिल जाएंगे। मार्केट की बात करें, नियर टू मार्केट रहने वाला है, जस्ट आप अपने घर के बाहर निकलते सर आपको मार्केट फैसिलिटी मिलने वाली है। ब्यूटी पार्लर की बात करो, ब्यूटी पार्लर भी आपके घर के बाहर ही मिलने वाला है। अब हम बात करते हैं रिक्शे की, बैटरी रिक्शा कनेक्टिविटी की बात करते हैं, जो हमारे भाई बहन माता पिता जो भी ऑफिस आने जाना करते हैं उनके लिए बैटरी रिक्शा की कनेक्टिविटी जरूरी है। बैटरी रिक्शा की बात करो, सुबह के 7 से लेकर रात के 11 बजे तक आपको बैटरी रिक्शा मिलने वाला है। प्रॉपर्टी की अगर बात करो, लोनेबल प्रॉपर्टी रहने वाली है, 85-90% प्रॉपर्टी का लोन रहने वाला है, प्रॉपर्टी फ्री ओल्ड रहने वाली है। कनेक्शन की बात करो, BSS का मीटर का कनेक्शन रहने वाला है। और बात करें समर्सिबल की, समर्सिबल इसके नाम देने वाले हैं, दिल्ली जल बोर्ड का पानी इसमें रहने वाला है। ओवरऑल अगर हम बात करें, हर चीज़ की फैसिलिटीज आपको इस मकान में मिलने वाली है। कोई भी क्लाइंट ऐसा ये नहीं कह सकता कि इसके अंदर मुझे ये चीज़ नहीं चाहिए। गैस पाइपलाइन की बात करो, गैस पाइपलाइन इस मकान में मिल जाएगी, इससे बढ़कर क्या चाहिए आपको। मेनली बात करो गार्डन की, आप देख सकते हैं हमारे सामने इतना बढ़िया गार्डन है, इससे बढ़कर आपको क्या चाहिए। आप देख सकते हैं कनेक्टिविटी के साथ गार्डन, इतना बढ़िया अच्छा सा गार्डन आपको दिखाया जा रहा है। बोलना चाहूँगा, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे आपको और भी अच्छी वीडियोस और भी आपको सपनों का घर आपको पूरा होता रहेगा हमारे LS बिल्डर एंड कॉलर बिल्डर की तरफ से। अब हम मेनली बात करते हैं प्राइस की। प्राइस जो इसका रहने मात्र 31 लाख के अंदर आपको मिलने वाला है, 31 लाख में 30 गज की प्रॉपर्टी, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी, लोनेबल प्रॉपर्टी आपको मिलने वाली है। आपने प्राइस भी पता कर दिया, आपको प्राइस भी पता चल चुका है, इसका लोनेबल प्रॉपर्टी हर चीज़ आपको इसके अंदर मिल चुकी है। तब तक के लिए, अब आप नई वीडियो के साथ मुझे दोबारा देखेंगे, तब तक के लिए आप चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना दोबारा ना भूले। बार बार आपको इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आपको LS बिल्डर एंड कॉलर बिल्डर की तरफ से आपको बहुत ही कम बजट के अंदर और डायरेक्ट डील आपको मिलती है, इसलिए आप चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपने चैनल नहीं करा सब्सक्राइब तो जरूर सब्सक्राइब करें। और तो तब तक के लिए इजाजत दें, आपको दोबारा एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।